आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में अपने क्या गिवन है कि अपने पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसको अपन क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। अपने पास यहाँ पे दो प्लेट है, चार्ज प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट में पास चार्ज है। इससे मैं क्या करता हूँ, दूर की तरफ मेरे पास क्या करता हूँ, इसको मैं प्रोजेक्ट करता हूँ यहाँ पे। और जो काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास वो इलेक्ट्रॉन कितनी है, मेरे पास वो है के है। अब अपने को यहाँ पे बोला गया जो थीटा है, जिस एंगल से अपन प्रोजेक्ट करते हैं उसके वैल्यू 45 डिग्री है। तो अपने को बोला गया है कि जो ग्रेविटी अपने को उसको इग्नोर करना है, और अपने को बोला कि जो डिस्टेंस होगी हॉरिजॉन्टली मेरे पास ये पार्टिकल कितनी ट्रेवल करके वापस अपने पास जो पॉजिटिव वाली प्लेट है उस पर स्ट्राइक कर जाएगा, लोअर जो प्लेट है उसके ऊपर। तो इस क्वेश्चन को अपने यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या पता है यहाँ पे कि जो मोशन होगी अपने पास इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी। बेसिकली अगर मैं किसी पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देखूँ, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर की तरफ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। तो मेरे पास नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा यहाँ पे, एक ऐसे नीचे मेरे पास क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास कहीं पे भी है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा नीचे के डायरेक्शन में। मेरे पास क्या होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। और इसका मास अगर मैं एम बोलता हूँ यहाँ पे, तो एम मेरे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा मेरे पास वो क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे फोर्स होता है मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो क्या होता है यहाँ पे वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या है वहाँ पे। तो इसके ऊपर जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई होता है इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने को कैपिटल ई दिया है, ठीक है। अगर मैं इसकी नीचे की तरफ पर जो इसका डी एक्सलेशन देखना है नीचे की तरफ, ठीक है, रिटार्डेशन जो है मेरे पास उसकी वैल्यू देखूँ, मेरे पास जो वैल्यू ए बोलता हूँ मैं, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, वो जाएगी इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास को मैंने यहाँ पे एम से नोट किया है, तो मेरे पास यहाँ पे जो एक्सेलेशन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की क्या जाएगी, हो जाएगी ई ई डिवाइडेड बाई एम, मेरे पास क्या जाएगा अपने पास एक्सेलेशन आ जाएगा। तो अपने पास क्या हो गया कि एक अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके नीचे ओनली एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। तो मेरे पास ये जो कंडीशन हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, ये जो 2D में मेरे पास मोशन होती है, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, इसके क्या हो जाएगी इक्विवेलेंस हो जाएगी मेरे पास, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है इसके इक्विवेलेंस हो जाएगी। उसमें भी क्या होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ ओनली पार्टिकल जो मोशन करता है तो उसकी डी एक्सेलरेट होता है, किस एक्सेलरेशन से, जी से। तो मेरे पास जो भी अब फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले होंगे सारे सारे इसके ऐसे मेरे पास क्या होंगे, वैलिड होंगे। तो सबसे पहले अपने क्या गिवन है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है के वो मेरे गिवन है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, इसको मैं बोलता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, वो यू से इसको प्रोजेक्ट किया गया था, मेरे पास क्या आ जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू के, ये मेरे को ये आ जाएगी। अपने को बताया कि जो पार्टिकल मेरे पास वो मैक्सिमम हाइट क्या ट्रेवल करेगा, जब इस प्लेट को टच कर जाएगा तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी, स्मॉल डी। मेरे पास जो एच मैक्स होता है यहाँ पे हाइट का, जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, उसमें क्या होता था प्रोजेक्टाइल में जी होता था, यहाँ पे क्या जाएगा जो एक्सेलेशन है ए है, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो एच मैक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एच मैक्स की वैल्यू डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू थीटा कितना है 45 डिग्री आ जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई ए की वैल्यू में आ सकते हो जाएगा ई कैपिटल ई बाई एम है जो ऊपर चला जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या जाएगी, मेरे पास जो डी है वो मेरे पास आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू साइन 45 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, साइन 45 डिग्री होती है, उसकी वैल्यू मेरे पास होती है वो कितनी होती है, वो होती है यहाँ पे 1/√2। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या जाएगी, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे वो आ जाएगी साइन स्क्वायर 45 डिग्री आ जाएगी 1/2। और यहाँ पे उनको आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ए होता है यहाँ पे, ये 2 आएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा एम यू स्क्वायर ए आ जाएगा डिवाइड बाई आ जाएगा 4 ई इंटू कैपिटल ई। यहाँ मेरे पास क्या जाएगा वैल्यू, यहाँ पे 2 रहेगा अपना, तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 2 ई कैपिटल ई, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अपने को हाफ एम यू स्क्वायर इसकी इक्वल थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल थी, तो काइनेटिक एनर्जी के डिवाइड बाई 2 टाइम्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को चार्ज इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड, मेरे पास क्या जाएगा जो डी है अपने पास यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। आपने पूछा क्या कि कब जाके मेरा पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, इसकी जो पॉजिटिव प्लेट उस पर से टकराएगा, तो मेरे पास क्या होगा पार्टिकल से मोशन करेगा यहाँ पे, पॉजिटिव मोशन करेगा ये वाले ऊपर प्लेट को टच किया और क्या जाएगा यहाँ पे किसी पॉइंट पे जाके इस प्लेट से यहाँ पे मैं क्या जाएगा यहाँ पे टकरा जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वाली वैल्यू में कोई और डिस्टेंस हो यहाँ फाइंड आउट करनी किसकी कॉल जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज की। और जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है उसका फॉर्मूला आपने पता है प्रोजेक्टर में क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है मेरे पास आर
उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, यहाँ मेरे पास क्या देगा ए हो जाएगा, एक्सेलेशन ए है तो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 डिवाइड बाई एक्सेलेशन, ठीक है साइन 90 वाली 1 होती है तो जाएगा यू स्क्वायर बाई ए। आपने पता है कि जो दोनों तरफ ऊपर नीचे मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा जाएगा एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई एम इंटू ए। आपने पता है कि एम इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा ई इंटू ई, क्या हो जाएगा जो कि पास इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स है मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा, और जो एम यू स्क्वायर हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी मेरे पास ले जाएगा जाएगी 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई क्या जाएगा ई इंटू कैपिटल ई, मेरे पास क्या जाएगा रेंज के इक्वल। अब ये वाली इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे ये किसके इक्वल था डी के इक्वल था, इसको इक्वेशन में फर्स्ट बोलता हूँ तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है उसके वैल्यू क्या थी, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में था कि जो के डिवाइड बाई 2 इंटू ई कैपिटल ई इज इक्वल टू डी था, तो यहाँ से मेरे पास के डिवाइड बाई ई इंटू कैपिटल ई की वैल्यू क्या जाएगी वो 2 डी के इक्वल आ जाएगी, और यहाँ मैं क्या करूँगा इक्वेशन यहाँ मेरे पास सेकेंड है इसमें पुट कर दूंगा, तो इक्वेशन सेकेंड पुट करूँगा मेरे पास क्या जाएगा जो रेंज की वैल्यू आएगी क्या आएगी मेरे पास यहाँ पे जो रेंज आएगा वो जाएगा 2 टाइम्स के ओवर स्मॉल ई कैपिटल ई इसके बोल कितनी किसके इक्वल 2 डी के इक्वल, तो 2 इंटू 2 डी तो रेंज आ जाएगी कितनी आ जाएगी हो जाएगी 4 डी वाली आ जाएगी रेंज की, ये इस क्वेश्चन में आपने पूछा गया है। तो अगर अपन यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है तो जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।